अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है मुताला सीरीज नीट इम्तिहान की तैयारी में, और मैं हूँ शेख जावेद अहमद। मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ नीट इम्तिहान की तैयारी में। हम देख रहे हैं तौर इसकी सालमाती बुनियाद, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6। बच्चों, हमने अब तक जो लेक्चर हुआ हमारा, उसमें लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने उसमें देखा इकाई। किसकी इकाई? ट्रांसक्रिप्शन की इकाई। और हमने वहां ट्रांसक्रिप्शन की इकाई में देखा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन की इकाई होती है उसके अंदर प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर होता है। नाउ बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीन। कि जीन किसको कहते हैं, जीन सिक्वेंस किसको कहते हैं, जीन का रोल क्या होता है। तो आज हम जीन और स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शनल की इकाई डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की इकाई और जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो इकाई है इसको तो हम समझ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन की जो इकाई है उसको हम समझ चुके हैं, हमने ट्रांसक्रिप्शन की इकाई को देखा है। नाउ हम यहाँ बात करने वाले हैं जीन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसका इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि डीएनए के अंदर हमको डीएनए से रिलेटेड कुछ और इजाफी मालूमात हमको हासिल होती है, तो इससे और भी ज्यादा खुशी होती है, इससे बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। सबसे पहले ये कि जीन किसको कहते हैं, जीन की तारीफ क्या है, जीन को डिफाइन कैसा करते हैं। तो जीन की तारीफ इस तरह से की जाती है कि ये विरासत की अमली इकाई है। ये क्या है? विरासत की अमली इकाई। जैसा हम ये कहते हैं कि हमको अगर कोई चीज लेना है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको वजन में लेना है तो हम ग्राम में काउंट करते हैं, या हमको पानी लेना है या दूध लेना है तो हम लीटर में काउंट करते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए को अगर काउंट करना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर है, जो भी सिफत है, वो वालिदैन से बच्चों में गई है, जो पेरेंट्स से बच्चों में गई है, तो आप उसको कैसा मेजर करेंगे, उसको कैसा जज करेंगे, कैसा काउंट, उसकी काउंटिंग कैसा करेंगे। तो उसकी काउंटिंग करेंगे हम बाय जीन, कि उस बच्चे के अंदर कितने जीन गए, आंख वाला जीन गया, स्किन वाला जीन गया, हाइट वाला जीन गया, या पढ़ने लिखने का जीन गया, कुरान पढ़ने का जीन गया, नमाज पढ़ने का जीन गया, किस तरह की जीन उसके अंदर गए। ठीक है, तो ये जीन क्या करेंगे, उसकी विरासत की अमली इकाई है। तो उसके पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर होंगे वही कैरेक्टर किसके अंदर जाएंगे, बच्चे के अंदर। तो ये कैरेक्टर को वालिदैन से बच्चे में ले जाने का काम कौन करेगा, जीन। तो हमेशा याद रखिए विरासत यानी इनहेरिटेंस, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में अगर कोई चीज गई, कितने कैरेक्टर गए, अगर आपको ये समझ रहे हैं, तो हम उसको किस में काउंट करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे जीन में। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि जीन की तारीफ जब भी होगी तो जीन को कहा जाएगा विरासत की इकाई। जीन को सिंपल वर्ड में क्या कहेगा, विरासत की इकाई या विरासत की अमली इकाई, इसको याद रखिए। दूसरी जो बात यहाँ पर है कि हालांकि इसमें कोई शक नहीं, किस बात में शक नहीं है, कि जीन्स डीएनए पर मखसूस यहाँ पर होना चाहिए था जगह, यहाँ क्या होना चाहिए था जगह। मैंने इसको इंग्लिश की जो बुक है उसमें क्या लिखा है उससे जज किया, उससे कंपेयर किया, तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर है लोकेशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकेशन। लेकिन अब ये उर्दू के ट्रांसलेशन में शायद गलती हुई है, तो यहाँ पर समझ लेना कि इसमें कोई शक नहीं है कि जीन्स डीएनए के मखसूस जगह पर होते हैं। डीएनए के अंदर कहाँ पर होते हैं, मखसूस जगह पे। तो हमने कहा था कि ये जो डीएनए है, डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। एक जीन यहाँ होगा, एक जीन यहाँ होगा, तो ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको क्या कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है। तो याद रखिए कि जो डीएनए है उस डीएनए के ऊपर क्या लोकेट होते हैं, क्या कौन होते हैं, उसके ऊपर होते हैं जीन्स। लेकिन यहाँ पर एक और है, लेकिन जीन की तारीफ, लेकिन जीन की तारीफ इन मायनों में डीएनए के सीक्वेंस के लिहाज से बयान करना मुश्किल है। अब यहाँ पर ये बात ये बोल रहे हैं कि डीएनए के अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जीन को अगर डिफाइन करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल काम है, यानी ए टी जी सी इसके अकॉर्डिंग अगर उसको डिफाइन करना पड़े तो ये बहुत
मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम उसको है ना एक छोटे छोटे पैचेस में डिफाइन करते हैं, यानी ATGC यहाँ से लेके यहाँ तक इतने इस तरह से नहीं, बल्कि एक कंपेरेटिव पैच हम वहां पर डिफाइन करते हैं। और हम ये बोलते हैं कि जीन जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA। क्या है जीन, क्या है जीन, ये DNA का छोटा सा टुकड़ा है। जीन को जब भी डिफाइन करेंगे आप तो आप क्या बोलेंगे, जीन को जब भी आप आसानी से डिफाइन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, DNA का छोटा सा टुकड़ा, क्या बोलेंगे आप उसको, DNA का छोटा सा टुकड़ा, DNA का छोटा सा टुकड़ा, इसको याद रखिए आप, इसको मैं आगे और डिफाइन करूंगा। तो यहां पर सबसे पहली बात याद रखना कि जीन क्या है, जीन ये विरासत की अमली इकाई है, इनहेरिटेंस की अमली इकाई है, पेरेंट्स से पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर को ट्रांसफर करना, खसूसियात को ट्रांसफर करना, खसूसियात को ले जाने का काम कौन करता है, जीन करता है। और ये जीन कहां पर होता है, जीन होता है DNA के ऊपर, जीन जीन कहां पर होता है, DNA के ऊपर। लेकिन हम जीन को DNA की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन, उसकी तारीफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब कैसा करेंगे, तो अब उसकी तारीफ किस तरह से की जाती है, अलग अलग पैटर्न यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कि जीन होता कहाँ है, तो हमने कहा कि जीन कहाँ होता है, तो सबसे पहले ये कि हमने कहा कि जीन होता है DNA के अंदर, जीन कहाँ होता है DNA के अंदर, DNA कहाँ होता है तो क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं तो मरकजे के अंदर, और मरकजा कहाँ पर होता है, खलिये के अंदर। तो ये बेसिक क्रोनोलॉजी आपको समझना है कि खलिया, खलिया के अंदर क्या होता है, मरकजा, मरकजे के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है DNA, और DNA के ऊपर जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको कहा जाता है जीन, DNA के ऊपर जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है, जीन। ये बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखिए, जब भी जीन को आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे, DNA का छोटा सा टुकड़ा। जीन को जब भी आपको डिफाइन करना है, किसी ने कहा कि व्हाट इज मीन बाय जीन, तो आपको उस वक्त याद होना चाहिए, किसी ने पूछ लिया कि DNA जीन क्या होता है, तो आपको उसकी तारीफ करते आना चाहिए, DNA का छोटा सा टुकड़ा, इतनी तारीफ। इसके आगे और एक पॉइंट है, मैं वो समझाऊंगा आगे, लेकिन इतना पॉइंट आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि जीन क्या है, जीन DNA का छोटा सा टुकड़ा है, जीन क्या है, DNA का छोटा सा टुकड़ा है। नाउ बच्चों एक आगे पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझना है, वो क्या है कि अगर DNA जीन को अगर हमको डिफाइन करना है तो DNA की जो सीक्वेंस, हमने कहा कि DNA की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम जीन को डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते, उसके दो रीजन है। एक रीजन ये है कि वो DNA सीक्वेंस जो tRNA और rRNA, वो DNA सीक्वेंस जो tRNA और rRNA साल्मो को कोड करती है वो भी जीन है। अब अगर आपको जीन को डिफाइन करना है तो जीन को डिफाइन करते हुए क्या है, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात ये है कि DNA को कोड, DNA कोड वो DNA जो tRNA और rRNA को कोड करता है उसको भी जीन कहते हैं, और दूसरा जो DNA सीक्वेंस होती है वो DNA सीक्वेंस क्या करती है, पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले DNA को भी जीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको एक और टर्मिनोलॉजी है, एक और वर्ड यूज करते हैं, वो है सिस्ट्रॉन। वो वर्ड क्या है, सिस्ट्रॉन। तो यहाँ पर जीन को हम क्यों एक वर्ड में, यानी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि जीन tRNA और rRNA को भी कोड करता है और जीन पॉलीपेप्टाइड को भी कोड करता है। तो यहाँ पर एक फर्क ये करना है कि जो DNA की सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करती है, उस DNA की सीक्वेंस को, उस जीन को सिस्ट्रॉन कहते हैं। उस जीन को क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि जीन के दो टाइप हो गए, जीन के भी कितने टाइप हो गए, दो टाइप हो गए। एक जीन वो है जो सिर्फ tRNA rRNA को कोड करता है, दूसरा जीन वो है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है। जो जीन पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन। बेसिक कंसेप्ट यहाँ याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि वो जीन जो सिर्फ tRNA और rRNA को कोड करता है वो जीन है, वो सिर्फ क्या है, जीन है। लेकिन वो जीन जो
पॉलीपेप्टाइड चैन को कोड करता है वो जीन कौन है? सिस्ट्रॉन। कौन है वो? सिस्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि हम जब डिफाइन करेंगे तो सिक्वेंस के अकॉर्डिंग क्यों डिफाइन नहीं करेंगे? सिक्वेंस के अकॉर्डिंग इसलिए डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि एक तरफ उसके पास ऐसे सिक्वेंस है जिसके थ्रू वो किसको कोड कर रहा है? टी आर एन ए और आर आर एन ए को, और दूसरी तरफ उसके पास ऐसी सिक्वेंस है जिसके थ्रू वो किसको कोड कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड को। तो जीन क्या कोड कर रहा है? वो टी आर एन ए आर आर एन ए कोड कर रहा है या पॉलीपेप्टाइड चेन कोड कर रहा है? उसकी बेसिस पे उसको डिफाइन करेंगे। तो जो जीन पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। उसको क्या कहते हैं? हम सिस्ट्रॉन। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आसान है। इसको समझिए कि डीएनए की सीक्वेंस है, उस डीएनए की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो उसके दो बड़े रीजन है। तो यहाँ पर सिंपल रीजन है, और दूसरी चीज कि वो जीन जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है या वो डीएनए सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करती है, उतने से टुकड़े को, उतने से हिस्से को, उतने से जीन को आप क्या नाम देंगे? सिस्ट्रॉन। उसको क्या नाम देंगे आप? सिस्ट्रॉन। नाउ बच्चों, दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसक्रिप्शन की जो इकाई है, ट्रांसक्रिप्शन की इकाई में हमने कहा कि वहां पर क्या होता है? एक होता है प्रोमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन यानी साख्ती जीन, और एक होता है टर्मिनेटर। प्रोमोटर, साख्ती जीन, टर्मिनेटर। तो ट्रांसक्रिप्शन इकाई में साख्ती जीन, जो साख्ती जीन है उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, जो साख्ती जीन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब अगर साख्ती जीन अगर पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा, साख्ती जीन से अगर पॉलीपेप्टाइड बनता है, तो ये साख्ती जीन को भी क्या नाम देंगे आप? सिस्ट्रॉन। इस साख्ती जीन को भी आप क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन। तो यहां पर यही बात है कि ट्रांसक्रिप्शन इकाई में साख्ती जीन को मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। जो साख्ती जीन है ट्रांसक्रिप्शन की इकाई में, उनको मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में डिवाइड किया। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, तो मैं आगे उसको समझाता हूं। तो यहां एक बेसिक चीज याद रखिए कि सिस्ट्रॉन को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, या सिस्ट्रॉन को दो टाइप में, एक है मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसा सिस्ट्रॉन जिसके पास एक प्रोमोटर है, एक टर्मिनेटर है, और ऐसा सिस्ट्रॉन जिसके पास एक प्रोमोटर है और एक टर्मिनेटर है, लेकिन कई सारे सिस्ट्रॉन है, तो पॉलीसिस्ट्रॉन, एक के बाद एक के बाद। तो बेसिक कंसेप्ट ऐसा समझिए कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई है, इसका यहाँ प्रोमोटर है, यहाँ पर साख्ती जीन है, और यहाँ पर क्या है? टर्मिनेटर। तो ये टर्मिनेटर है यहाँ पर प्रोमोटर है, और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल जीन यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं? साख्ती जीन। तो ये हो गया मोनोसिस्ट्रॉनिक, ये क्या हो गया? मोनोसिस्ट्रॉनिक। लेकिन एक प्रोमोटर है, एक सिस्ट्रॉन है, दूसरा सिस्ट्रॉन है, तीसरा सिस्ट्रॉन है, चौथा सिस्ट्रॉन है, पांचवा सिस्ट्रॉन है, फिर यहाँ पर टर्मिनेटर है। तो अब क्या हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन आ गए, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये एक ही जीन, एक ही सिस्ट्रॉन होने की वजह से इसका नाम क्या है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। और एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन होने की वजह से इसका नाम क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि सिस्ट्रॉन के नंबर की बेसिस पे, एक सिस्ट्रॉन या दो, फिर इन सिस्ट्रॉन के अंदर प्रोमोटर कितने हैं, एक प्रोमोटर के साथ कितने सिस्ट्रॉन जुड़े हुए, उस बेसिस पे इनको डिफाइन किया हुआ है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक में एक प्रोमोटर, एक टर्मिनेटर, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में कई सारे सिस्ट्रॉन बट एक प्रोमोटर, एक टर्मिनेटर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, इसको याद रखना है। एग्जाम में मोनोसिस्ट्रॉन और पॉलीसिस्ट्रॉन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोनोसिस्ट्रॉन मीन्स सिंगल सिस्ट्रॉन, सिंगल प्रोमोटर, सिंगल टर्मिनेटर। मैनी सिस्ट्रॉन, सिंगल प्रोमोटर, सिंगल टर्मिनेटर, उसको बोला जाएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। नाउ यहां पर एक और चीज याद रखना है, वो क्या है कि जो यूकैरियोट्स है,
यहाँ पर अब ये लो कैरियर्स हो गया, यहाँ होना चाहिए यू कैरियर्स, यहाँ क्या होना चाहिए यू कैरियर्स। यू कैरियर्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक साख्ती जीन्स के कोडिंग सीक्वेंस के टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। तो बेसिकली यू कैरियर्स में कौन सा टाइप का होता है, वो होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। यू कैरियर्स में जो ट्रांसक्रिप्शनल की यूनिट होती है, ट्रांसक्रिप्शन की जो इकाई होती है, वो कौन सी होती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखना है, अगर यू कैरियर्स की बात करें तो यू कैरियर्स के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, यू कैरियर्स के अंदर होती है मोनोसिस्ट्रॉनिक। यू कैरियर्स में कंडीशन कौन सी होती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, और मोनोसिस्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां पर क्या होते हैं, जीन होते हैं। यू कैरियर्स में जीन टूटे हुए होते हैं, यानी स्प्लीटेड होते हैं। ये जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन है, ये जीन टूटे हुए होते हैं। अब टूटे हुए का मतलब क्या होता है, इनके बीच में ना डिफरेंस होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड होते हैं, तो ये इसका समझे कि ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम का डीएनए है, इस डीएनए के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं जीन। अब यूकैरियोट्स के अंदर ये जो जीन है, ये जीन कौन सा है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये जीन कौन सा है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। और इस जीन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक्सॉन इंट्रॉन। इस जीन के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। व्हाट इज मीन बाय, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रही है, सब क्या है, एक्सॉन। फिर इसके बीच में तो ये ब्लू कलर के आ गए, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, तो इंट्रॉन। तो बीच बीच में क्या है, यहाँ पर स्प्लिटिंग फॉर्म है। स्प्लिटिंग फॉर्म का मतलब क्या है, पहले ग्रीन है, फिर अचानक में वो स्प्लिट हो गया, मतलब टूट गया। अब वहां से ब्लू स्टार्ट हुआ, फिर वो टूट गया, फिर ग्रीन स्टार्ट हुआ। तो मतलब क्या है, एक्सॉन फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन। तो इस तरह से यू कैरियोट्स के अंदर जो जीन है, वो जीन स्प्लिटेड फॉर्म में है, टुकड़ों के फॉर्म में है। और ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़ों के नाम क्या है, यहाँ जो टुकड़े हैं उनका नाम है एक्सॉन एंड इंट्रॉन। यहाँ जो टुकड़े हैं उनका नाम क्या है, एक्सॉन, और यहाँ जो टुकड़े हैं उनका नाम क्या है, इंट्रॉन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है, वो क्या है कि यू कैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। यू कैरियोट्स के अंदर जो कंडीशन है वो कौन सी है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। यू कैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की इकाई है, उस ट्रांसक्रिप्शन की इकाई की कंडीशन कैसी है, उसकी इकाई की कंडीशन है मोनोसिस्ट्रॉनिक। सिंगल प्रोमोटर, सिंगल स्ट्रक्चरल जीन या साख्ती जीन, और सिंगल टर्मिनेटर, ये कंडीशन किसमें है, यूकैरियोटिक जीन के अंदर। और दूसरा, यूकैरियोट्स के अंदर ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है, या यहाँ पर जो जीन है, वो स्प्लीटेड फॉर्म में है, वो टूटे हुए फॉर्म में है, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में है। जीन ऑलरेडी टुकड़ा है, और जीन के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब ये जो टुकड़े हैं, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा वो है जिसको कोडिंग सिक्वेंस, जिसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग सीक्वेंस या जाहिर होने वाले हिस्सा, कोडिंग सीक्वेंस या जाहिर होने वाला हिस्सा, उसको कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है उसको, एक्सॉन। अब यहाँ एक्सॉन की जो स्पेलिंग है वो इस तरह की है, EXON, एक्सॉन, उसको क्या कहते हैं, एक्सॉन। तो यहाँ याद रखिए कि जो कोडिंग सीक्वेंस है, या जो जाहिर होने वाला हिस्सा है जीन का, उस हिस्से को क्या कहा जाता है, एक्सॉन। क्या कहा जाता है उसको, एक्सॉन। और एक्सॉन, एक्सॉन जो है वो सीक्वेंस, एक्सॉन को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप डिफाइन कैसा करेंगे, एक्सॉन वो सीक्वेंस होते हैं जो प्रोसेस्ड, प्रोसेस या बालीदा आरएनए बनाते हैं, या आरएनए में नजर आते हैं। यानी डीएनए या जीन का वो हिस्सा जो आपको प्रोसेस या बालीदा, यानी नया जो एमआरएनए बनेगा, नया एमआरएनए बनेगा, यानी मैसेंजर आरएनए बनेगा। हम आगे चल के पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए किसको बोलते हैं। तो वो आरएनए जो इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है, उस इंफॉर्मेशन के अंदर, उस इंफॉर्मेशन को कोड करने का काम कौन करते हैं, एक्सॉन। वो काम कौन करते हैं, एक्सॉन। तो यहाँ पर इसीलिए उसको डिफाइन किया कि एक्सॉन किसको कहते हैं, एक्सॉन वो कोडिंग सीक्वेंस होती है जो जाहिर होने वाले हिस्से को, जो क्या करती है, जाहिर होने वाले हिस्से को कोड करती है, जो दिखता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल आपकी आंख ब्राउन है, या आपकी आंख काली है, ये दिख रहा है, तो इसको कोड किसने किया, इसको कोड किया एक्सॉन ने। किसने कोड किया इसको, एक्सॉन ने। तो ये एक्सॉन क्या है, एक्सॉन जीन की वो सीक्वेंस है जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। नाउ एक्सॉन, ये जितने भी एक्सॉन्स है, यानी ये एक्सॉन्स है, ये ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, और ये एक्सॉन,
एक्सॉन के दरमियान में, अब एक्सॉन के दरमियान में इंट्रॉन्स मौजूद है, तो बीच बीच में एक्सॉन के बीच बीच में कौन होंगे, इंट्रॉन्स। एक्सॉन के बीच बीच में क्या होते हैं, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स इंट्रॉन्स किसको कहते हैं, तो इंट्रॉन्स बीच में माइल होने वाले, दरमियान में आने वाले सिक्वेंस होते हैं जो तब्दील शुदा आरएनए में नहीं पाए जाते। जो तब्दील शुदा आरएनए है यानी जो डीएनए से जो आरएनए बना, उस आरएनए में इंट्रॉन्स इंट्रॉन्स नहीं होते। अब यहाँ पर बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे समझने वाले। सिर्फ यहाँ पर आपको दो वर्ड के मीनिंग आपको याद रखना है। दो वर्ड कौन सा है, एक है एक्सॉन, एक है इंट्रॉन। एक है वर्ड एक्सॉन, दूसरा है इंट्रॉन। सिर्फ आपको अभी इनको याद रखना है, इनको समझने या इनको समझना अगर आपको है या इनको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में या इसके बाद के लेक्चर में आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ सिर्फ आपको इनको याद कर लेना है। यहाँ ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़ों में जीन्स की तरतीब डीएनए के खित्ते के लिहाज से इसकी तारीफ में मजीद पेचीदगी पैदा करती है। ये जो टुकड़े हैं, अब ये जो जीन के अंदर ये टुकड़े हैं, तो इनकी तरतीब, इनकी जो तरतीब है, पहले एक्सॉन फिर इंट्रॉन फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन, तो अब इन डीएनए के खित्ते के लिहाज से अगर इनकी तारीफ की जाए तो ये क्या करेंगे, और मजीद पेचीदगी पैदा करते हैं। इसलिए डीएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जीन को डिफाइन नहीं करते। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीन को डिफाइन जो करते हैं, तो जीन को डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ सिंपल इतना बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये विरासत की इकाई है। हम उसको डीएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं कर सकते, डीएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डीएनए के सीक्वेंस चेंज होते रहती है, और वो किस तरह का एमआरएनए, किस तरह का टीआरएनए, किस तरह का आरआरएनए कोड कर रही है हमको नहीं मालूम, उससे क्या बनने वाला है हमको नहीं मालूम। इसलिए डायरेक्टली हम छोटे छोटे टुकड़े बोलते हैं कि ये डीएनए का एक टुकड़ा है जिसको हम जीन बोल रहे हैं, ये डीएनए का टुकड़ा है, हम उसको ए से लेकर टी तक, ए से लेकर जी तक ये वाली सिक्वेंस जीन है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही बात समझाई गई है ना। बच्चों मैं इंट्रॉन और एग्जॉन को अब याद करने के लिए आपको सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, उनको आपको याद करना है, ये आगे आपको फायदा देगी। पहला है एग्जॉन। एग्जॉन का मतलब क्या है, एग्जॉन का मतलब होता है डीएनए। एग्जॉन का सिंपल मीनिंग क्या है, डीएनए की वो सीक्वेंस जो प्रोसेस्ड या बालीदा आरएनए बनाती है, डीएनए की वो सीक्वेंस जो प्रोसेस या बालीदा आरएनए बनाती है, यानी ऐसा आरएनए बनाती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड को कोड करती है, यानी उस इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। तो यहाँ सिंपल याद रखना कि एक्सॉन को अगर आपको डिफाइन करना है तो एक्सॉन आप कैसे डिफाइन करेंगे, डीएनए की वो सीक्वेंस जो प्रोसेस या बालीदा आरएनए बनाती है, डीएनए की वो सीक्वेंस जो प्रोसेस या बालीदा आरएनए बनाती है और अमीनो एसिड को कोड करती है। ठीक है, वापस से एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, एक्सॉन का मतलब क्या, एक्सॉन मतलब डीएनए की वो सीक्वेंस जो प्रोसेस या बालीदा आरएनए बनाती है और अमीनो एसिड को कोड करती है। दूसरा इंट्रॉन। नाउ व्हाट इज मीन बाय इंट्रॉन, इंट्रॉन का मतलब क्या है, डीएनए की वो सीक्वेंस जो प्रोसेस या बालीदा आरएनए नहीं बनाती और जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करती। तो सिंपल इनको डिफाइन करते वक्त आपको याद रखना है कि वो सीक्वेंस जो बालीदा आरएनए बनाएंगी या प्रोसेस आरएनए बनाएंगी, हम आगे चल के पढ़ेंगे किसको कहते हैं एमआरएनए, क्या कहते हैं इसको, एमआरएनए। तो वो सीक्वेंस जो एमआरएनए बनाएंगी, एमआरएनए से आपको अमीनो एसिड मिलते हैं, अमीनो एसिड से आपको मिलेगा पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है, अब हम और करीब में आ गए डेफिनेशन के, अमीनो एसिड से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसको कहा जाता है एक्सॉन। और जो प्रोसेस एमआरएनए में नहीं होती, अमीनो एसिड को कोड नहीं करती, तो उसको क्या कहा जाता है, इंट्रॉन। तो यह बेसिक याद रखना है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, मोनोसिस्टोनिक। वहां पर जो जीन होता है वो स्प्लिटेड फॉर्म में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में होता है। वो छोटे टुकड़े कौन है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन वो टुकड़ा है जो कोड करता है एमआरएनए को, जिसकी वजह से प्रोसेस एमआरएनए बनता है, जिसकी वजह से प्रोसेस आरएनए बनता है, और उसकी वजह से क्या मिलता है आपको, अमीनो एसिड। वो किसको कोड करता है, अमीनो एसिड। तो यहाँ बहुत बेसिक डेफिनेशन है, उसको आपको याद रखना है। बच्चों एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक
जो सीफत की विरासत है, सीफत की विरासत मतलब, सीफत की विरासत का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये फादर है, ठीक है, इस फादर से इसके बच्चों में, ये फादर है तो सीफत की विरासत, सीफत की जो विरासत है यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाना है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाना है, तो इनको रेगुलेट करने वाला कौन है, इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो साफ्ती जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस, साफ्ती जीन की रेगुलेटरी सीक्वेंस। आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो साफ्ती जीन है, ये साफ्ती जीन है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है प्रोमोटर, यहां पर होता है टर्मिनेटर, और यहां पर कुछ और सीक्वेंस होती है जिनको हम क्या कह रहे हैं, रेगुलेटरी। इन सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस। क्या कह रहे हैं उसको, रेगुलेटरी सीक्वेंस। रेगुलेटरी सीक्वेंस और प्रोमोटर से भी असर अंदाज होता है, यानी ये प्रोमोटर और ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ये विरासत यानी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, जाहिर होगा या नहीं होगा, वो एक्सप्रेस उस बच्चे में जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कर सकता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस और प्रोमोटर। कौन कर सकता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस और प्रोमोटर। तो यहां पर याद रखिए, सीफत की विरासत यानी कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने का ये जो अमल है उसको कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस और प्रोमोटर। लिहाजा कभी कभी, कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंस को रेगुलेटरी जीन्स भी कहा जाता है। अब ये एक और नया टर्म है, ये एक और नया पॉइंट है, तो याद रखिए कि जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है उनको कभी कभार क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन्स भी कहते हैं, कभी कभार उनको क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन्स भी। हालांकि ये सीक्वेंस किसी प्रोटीन या आरएनए को कोड नहीं करती, ये जो रेगुलेटरी जीन है दे डू नॉट कोड, ये किसी को कोड नहीं करती, ना ये प्रोटीन और ना आरएनए, किसी को भी कोड नहीं करती, फिर भी इनको क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी जीन। इसीलिए मैंने पहले, ये जो पहली हमारी बात स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कि जीन को डिफाइन कैसा करेंगे, तो जीन को डिफाइन करने के लिए हम डीएनए की सीक्वेंस का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए की सीक्वेंस कभी कभार टीआरएनए को भी कोड करती है, आरआरएनए को भी कोड करती है, और वही डीएनए सीक्वेंस एमआरएनए को भी कोड करेंगे, तो हम एमआरए जीन उसको कहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, जीन हम उसको कहते हैं जो कैरेक्टर को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ले जाए, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाए, तो हम उसको कहते हैं जीन, हम उसको कहते हैं जीन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीन को डिफाइन कैसा करेंगे, जीन को आप डिफाइन कैसा करेंगे, तो जीन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप है। सिंपल वे याद रखना है कि जीन क्या है, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा। नाउ तो बच्चों, उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 मजेदार चैप्टर है। ये पॉइंट अगर आपने समझने की कोशिश की है, तो इसके बाद का पॉइंट इससे भी हार्ड है, और ये पढ़ने के बाद इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा। शर्त ये है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी, ये जो डीएनए से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर बेसिस से रिलेटेड टॉपिक्स है, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, इनको हमने कभी देखा नहीं होता है, हमने इनको सिर्फ सुना होता है, और हमको सिर्फ इनको क्या करना होता है, इमेजिन करना होता है। इसलिए क्या होता है कि अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या ये बच्चों को समझ में नहीं आता। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ब्रेन, तो ब्रेन क्योंकि आपने देखा होता है, ब्रेन आपने किसी ना किसी का देखा होता है, तो आपको मालूम होता है कि ब्रेन कैसा काम करता है, ब्रेन दिखता है। लेकिन डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ये आपने कभी देखा नहीं है, इसलिए ये आपको कंफ्यूज करता है, आपको समझने में इससे क्या होती है, दिक्कत होती है। इसलिए इस लेक्चर में अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आपको आंसर दूंगा। उम्मीद है कि लेक्चर आप लोगों को समझ में आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिए।